बालकृष्ण जी महाराज जी से बात करनी है आज, क्या बालकृष्ण जी जी से? भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, आप कहें बताइए जी। जी हाँ आचार्य जी, हमारे पापा जी जो हैं जी उनकी जो ब्रेन की जो नसें हैं वो सिकुड़ गई हैं, उसकी वजह से उनके 2 बार क्लोडिंग हो गई थी, क्लोड। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं मध्य प्रदेश दतिया से बोल रहा हूँ। जी देखिए, मध्य प्रदेश दतिया में भी हमारा चिकित्सालय वहाँ पर है। आप एक बार या तो वहाँ वैद्य जी को दिखा दीजिएगा, या एक बार हो सके तो जी पिताजी को हरिद्वार भी आप ले करके आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी आज इस तरह की जो परेशानियाँ हैं, जिनको जी एक आयु के बाद में हमारी जी मेमोरी लॉस होने शुरू होती है, या किसी को जी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, यानी कि किसी भी तरह से जो जी ब्रेन की हमारी सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं या वो सिकुड़ जाती हैं, उन सारी स्थिति में जितने भी जो इस तरह के जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के जी लिए मॉडर्न सिस्टम के अंदर में यदि क्लॉटिंग वगैरह हो गई, जम गया, तो ठीक है, सर्जरी वगैरह तत्कालिक उपाय हो सकता है। पर मेडिसिन के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे रिसर्चेज जी हम लोगों ने किए हैं, बहुत सारे रिसर्चेज जी अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं। कुछ ऐसे द्रव्य हैं कि इस तरह की कोई भी जिसको मेमोरी लॉस है या दिमाग के हिसाब से दिमाग के नसों में किसी भी तरह की परेशानी है, तो निरापद प्रयोग के रूप में, या संभावनाएं दिख रही हैं, एल्जाइमर डिजीज बढ़ने शुरू हो गई है, मेमोरी लॉस होने शुरू हो गई है, या हाइपरटेंशन है, बीपी हाई रहता है, उन सब के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेधावटी एक निरापद प्रयोग है। मेधावटी आप नियमित रूप से भी ले सकते हैं, एक एक गोली भी ले सकते हैं, दो दो गोली भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि जैसे बादाम रोगन है, वो चार चार बूंद नाक में डाल सकते हैं, उससे भी मस्तिष्क के लिए बहुत फर्क पड़ेगा। परंतु क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन में मैं निवेदन करूंगा, अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखा करके, वैद्य को दिखा करके उपाय आप कर लें, और प्राणायाम, पिताजी के लिए प्राणायाम से बहुत फर्क पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाइए, धीरे धीरे कपालभाति कराइए, भ्रामरी और उद्गीत कराइए, निश्चित रूप से पिताजी को लाभ होगा। पर आप इसको करवाइएगा, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप इस उपाय को जरूर करिए। तो ये क्योंकि जैसे अल्जाइमर डिजीज जो है आजकल बहुत ज़्यादा है, मेमोरी लॉस होने वाली या इस तरह की जो अवस्थाएं हैं, तो आयुर्वेद में बहुत सारे अच्छे उपाय हैं। हमारे आयुर्वेद में जैसे बादाम भी उसके लिए उपयुक्त माना गया है, काली मिर्च या जिसको दखनी मिर्च बोलते हैं, सफ़ेद मिर्च भी उसको पीस करके उनको दिया जा सकता है, तो क्योंकि आहार के रूप में। और हमने देखा है कि ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए प्राणायाम से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, कोई औषधि नहीं है। यदि इस तरह की स्थिति में प्राणायाम नियमित रूप से कराया जाए तो उसका बहुत लाभ होता है। तो किसी को भी इस तरह की परेशानियां हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम वो कोई भी कर सकता है, ठीक है, भस्त्रिका कपालभाति यदि ज़्यादा परेशानी हो ना कर पाए, फिर भी अनुलोम विलोम आधा घंटा एक घंटा भी आप सुबह शाम उनको करा सकते हैं, क्योंकि उससे उनको निश्चित रूप से ऐसे रोगियों को लाभ होगा।